संतों के आगे मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए, मैं संतों को ही छोड़ता आशीर्वाद। महाराज जी एक बार पुनः, और हमारे जो ये जो हमारे जनमान में पधारे हैं, मैं आपका अभिनंदन करूं, आपका स्वागत करूं। मुझे क्षमा, मैं आपके बीच में पहले कूद पड़ा, आपका अभिनंदन करेंगे रामू की जोड़ी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। ताली बजाओ एक बार, राजू की जोड़ी आपके बीच में। हाँ हाँ भाई साहब, मैं सारा हूं पुणे, और हम आपका अभिनंदन करते हैं। हमारे महेंद्र जी हाल तो धन्य है, हाल तो जमपुरा भगवा में, और बहुत बहुत आशीर्वाद है वहां गौ माता थे, गौ आशीर्वाद है। और आज हमारे रामू की जोड़ी आपके बीच में आवे, और जो जो गौ माता के लिए हमारे भक्त संत तालक जी, मैं प्लीज आपको भी आह्वान करूँ, और थोड़ी को कम कर दूँ आवाज़। जी ने वो भक्तों ने जिन दो भक्तों ने आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति के साथ गौ माता की सेवा के लिए अपने शुभ कमाई में से जो दान किया है, मैं मुझे संतों के आशीर्वाद के लिए जैसा मुझे कमेटी ने आदेश किया है, मैं जिन लोगों से आग्रह करूं वो मंच पर पधारेंगे। हमारे बीच सम्मानीय महेंद्र जी शर्मा, आप ही मंच पर पधारे। अच्छा सुनो, अरे सुनो रे सुनो, हमारे महेंद्र जी शर्मा, रामू जोड़ी सब आ रिया मंच पे, पर आज प्रयागपुरा में, और ये आज पावटा की धरती पर गाय माता के लिए इतिहास रचना चाहिए। गोदान के लिए आज एक शाम गो माता के नाम सत्संग रखा है, और हिंदू उत्सव समिति प्रयागपुरा और पावटा, मन लगे पावटा आगे ज्यादा बैठा दिखे, हाँ ताका चेहरा की मुस्कान के लिए, पर आज गौ माता के लिए हम सबको बढ़ चढ़ करके, जो जिस गौ माता ने हम सबको पाला है, जिस गौ माता ने हमारे पूर्वजों को पाला है, जिस गौ माता को गाय, उस गौ माता को चरा करके कृष्ण गोपाल बन जाता है, जिस गौ माता के लिए बाबू जी राठौर अपना बलिदान दे देता है, जिस गौ माता के लिए तेजो जी महाराज शहीद हो जाता है, ऐसी गौ माता का आज हम